दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मैक्सिमम शेयर्स को कवर करने वाले हैं, जहां पर आज के दिन हमें काफी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है विकास इकोटेक लिमिटेड। विकास इकोटेक लिमिटेड जहां पर आज के दिन आपको इस शेयर के अंदर 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, वहीं विकास इकोटेक लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए काफी शानदार न्यूज निकल कर आ रही है। विकास इकोटेक लिमिटेड जहां पर कंपनी फूड वियर के बिजनेस में भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ केमिकल्स एंड कंपाउंड बिजनेस में भी हमें कंपनी देखने को मिलती है। तो कंपनी को यहां पर एक लार्जेस्ट ऑर्डर हाथ लगा है, जिसकी वैल्यू आप देख सकते हैं। द स्पेशलिटी कंपाउंड्स डिविजन हैज रिसेंटली सिक्योर्ड फ्रेश ऑर्डर वैल्यूड एट अबाउट ₹ 65 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ रुपीज का कंपनी को ये ऑर्डर हाथ लगा है। और यहां पर विकास इकोटेक के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट भी हमें काफी अच्छे देखने को मिल चुके हैं। तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग टर्म पर्पस से होल्ड करते हुए चल सकते हैं। और आप विकास इकोटेक लिमिटेड का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो आप क्लियरली यहां पर देख पाएंगे कि मार्केट में जो पिछले एक महीने में, यानी कि फरवरी के मंथ से जो फ्री फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन विकास इकोटेक ने अपने सपोर्ट को यहां पर बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया है। तो ₹5.25 के सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। विकास लाइफ केयर लिमिटेड के अंदर भी आज के दिन हमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के भी फाइनेंशियल नंबर्स काफी अच्छे हमें देखने को मिल चुके हैं और साथ ही साथ इस पेनी शेयर्स के अंदर भी आज के दिन एक बड़ी अनाउंसमेंट हमें कंपनी की तरफ से देखने को मिल रही है। यहां पर आप देख सकते हैं ये न्यूज आज ही के दिन निकल कर आई है, जिसमें विकास लाइफ केयर लिमिटेड ने एक इंटरेस्ट दिखाया है 5-स्टार होटल जो कि दिल्ली एनसीआर के अंदर लोकेटेड है, उसको एक्वायर करने के लिए। आप देख सकते हैं द प्रपोज्ड एक्विजिशन इन्वॉल्व्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट ₹1200 मिलियन विच शेल बी फंडेड फ्रॉम इंटरनल एक्रूवल्स एंड इक्विटी प्रोसीड्स। तो यहाँ पर विकास लाइफ केयर लिमिटेड ये एक्विजिशंस हमें करते हुए देखने को मिल सकती है, जो कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आज ही के दिन ये न्यूज़ निकल कर आई है। साथ ही साथ विकास लाइफ केयर लिमिटेड का भी अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक शानदार ब्रेकआउट हमें इस शेयर के अंदर भी देखने को मिल चुका है। बहुत जल्दी ये शेयर्स आपको ₹8 तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप ₹8 तक के टारगेट इस शेयर्स के अंदर भी लेकर चल सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। जहां पर आज के दिन हमें कोई बड़े मूवमेंट तो इस शेयर के अंदर देखने को नहीं मिले, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जो पावर एक्सचेंज की वॉल्यूम का डाटा जो फरवरी मंथ का निकल कर आया था वो बहुत ही शानदार निकल कर आया था। IEX में काफ़ी शानदार हमें जम देखने को मिली थी और एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि मार्च के मंथ में भी जो IEX के अंदर पावर एक्सचेंज का वॉल्यूम का डाटा हमें देखने को मिलेगा वो अगेन लास्ट दो मंथ्स के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर सकता है। अब बात करें कि IEX को लेकर आज के दिन क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। IEX की तरफ से 3 इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल यहां पर अपडेट करी गई है, जिसमें से एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल आज ही के दिन हमें हेल्ड होते हुए देखने को मिल रही है, जिसके आउटकम्स आना अभी बाकी है। जैसे ही आउटकम्स आ जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से अपडेट कर दिए जाएंगे। तो यदि आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ जो नेक्स्ट 2 इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाली है 17 मार्च और 22 मार्च के दिन, जिसमें GIC इन्वेस्टमेंट के साथ में जो ये इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाली है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हमें कंपनी के अंदर फंड रेजिंग से रिलेटेड भी कुछ बड़ी अपडेट्स देखने को मिल सकती है। यदि आपने IEX के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ₹200 के सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए यहां पर भी आप लॉन्ग टर्म पर्पस से पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है BSE लिमिटेड। BSE लिमिटेड जो कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 30% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। इस कंपनी की तेजी के पीछे कुछ बड़ी वजह एक्सपर्ट्स की तरफ से निकल कर आ रही है, जो कि हमें जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। अपडेट की बात करें उससे पहले BSE लिमिटेड की तरफ से एक अनाउंसमेंट निकल कर आई है। आप देख सकते हैं 11 मार्च 2022 ये अनाउंसमेंट एक्सचेंज को सबमिट करी गई है। अल्टीमेटली ये जो अनाउंसमेंट निकल कर आई है वो BSE लिमिटेड के अंदर जो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में जो तेजी हमें देखने को मिल रही है, जो शानदार रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं, कल के दिन हमें इस शेयर के अंदर 20% का अपर सर्किट देखने को मिला था, उसी केस में एक्सचेंज ने BSE लिमिटेड से यहां पर इसी के रिगार्डिंग जवाब मांगा था कि आपकी प्राइस के अंदर जो ये एकदम से पंप हमें देखने को मिल रहा है इसके पीछे क्या बड़ी वजह है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी ने क्लियरली कह दिया है कि यहां पर फ्रीली ट्रेडेड
स्टॉक एक्सचेंज के अंदर देखने को मिल रही है। कंपनी की तरफ से कोई ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट निकल कर नहीं आई है जिस कारण से यहां पर आपको प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा हो। बीएसई लिमिटेड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर कवर किए गए हैं जिसके कारण यहां पर तेजी बन रही है, जिसमें रिकॉर्ड डेट की बोनस की रिकॉर्ड डेट यहां पर नियर आ रही है, यानी कि बहुत नजदीक आ चुकी है। 15 मार्च बीएसई के बोनस की रिकॉर्ड डेट है, एक्स डेट है, जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास सिर्फ लास्ट मौका मंडे के दिन का है। यानी कि मंडे के दिन अगर आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी जाकर आप बोनस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। 2:1 के रेशो का बोनस कंपनी देने जा रही है। साथ ही साथ यहां पर जो अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में कंटिन्यूसली ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड्स ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स इंश्योरेंस और पावर एक्सचेंज में भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और सबसे मेन बात कि यहां पर न्यू इनिशिएटिव्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लाइक गोल्ड ट्रेडिंग यहां पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर ट्रेडिंग भी काफी ज्यादा हो रही है और उसका एक सीधा बेनिफिट बीएसई को मिल रहा है। तो बीएसई के अंदर भी खरीदारी कर रखी है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स टारगेट को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स यहां पर इन्वेस्टर अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। माफ करिएगा, मैं आपको थोड़ी सी यहां पर तारीख यहां पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण गलत बता दी थी। यहां पर बीएसई के जो 2:1 के रेशो के बोनस की जो एक्स डेट है वो 21 मार्च है, यानी कि बस अभी आपके पास मौका है इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का और बोनस का बेनिफिट उठाने का। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। कंपनी को आज के दिन काफी बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है, हालांकि ये शेयर्स अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका 52 वीक का हाई देखेंगे तो लगभग 2200 रुपीज का देखने को मिलता है और वहां से शेयर्स काफी ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है। लेकिन जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी शानदार न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, जिसमें कंपनी को एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है। राजगढ़ के अंदर आप देख सकते हैं लगभग 2500 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट हमें कंपनी के हाथ में लगते हुए देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के अंदर हमें ये प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर इवैक्यूएशन ऑफ पावर फ्रॉम री प्रोजेक्ट्स इन राजगढ़। तो शानदार न्यूज ये निकल कर आई है। तो यदि आपने जीआर इंफ्रा के अंदर अपर लेवल से भी एंट्री ले रखी है तो यहां पर आपको अपनी पोजीशंस को लॉस में स्क्योर अप बिल्कुल भी नहीं करना है। यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। इस शेयर्स के अंदर भी आप यहां पर 1400 रुपए का सपोर्ट लेवल लेकर चल सकते हैं, वहीं से हमें शेयर्स रिवर्ट होते हुए भी देखने को मिला था। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन कंपनी की शेयर्स की प्राइस के अंदर तो कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली, लेकिन नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर एक बड़ी पार्टनरशिप आज के दिन हमें देखने को मिल रही है। कंपनी ने लिस्टिंग के बाद कोई बड़े रिटर्न्स तो यहां पर अपने इन्वेस्टर्स को नहीं बनाकर दिए हैं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं नजारा टेक्नोलॉजीज ने आज के दिन एक बड़ी पार्टनरशिप करी है। आप देख सकते हैं नजारा पार्टनर्स विद ग्रिफिन गेमिंग पार्टनर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल वेंचर्स फंड एक्सक्लूसिव फोकस्ड ऑन गेमिंग। तो यहां पर कंपनी अब अपने बिजनेस मॉडल्स को थोड़ा सा चेंज करने जा रही है और उसी को लेकर आने वाले 3 सालों के लिए ये पार्टनरशिप हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं नजारा कमिट्स 30 करोड़ टू ग्रिफिन गेमिंग पार्टनर्स फंड टू ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो काफी बड़ी अनाउंसमेंट आज के दिन हमें नजारा की तरफ से देखने को मिल रही है। तो नजारा के अंदर भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर भी आपको मंडे के दिन कुछ पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जिस प्रकार से अप डाउन हो रहा है उसी का इंपैक्ट आपको एशियन पेंट्स के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे फंड हाउसेस यहां पर इस गिरावट का बेनिफिट उठा रहे हैं और एशियन पेंट जैसे मल्टीबेकर स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए चल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आज ही के दिन कुछ बड़े फंड हाउसेस ने एशियन पेंट्स के अंदर खरीदारी कर रखी है। और आप देख सकते हैं 1:28 पर लगभग 14,127 शेयर्स यहां पर खरीदे गए हैं, जिसकी वैल्यू लगभग 408 करोड़ रुपए बनती है। यानी कि काफी बड़ी बल्क डील आज के दिन हमें एशियन पेंट्स के अंदर देखने को मिल रही है। मैंने पहले भी कहा है कि यदि आपने एशियन पेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार शेयर है और यहां पर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप करते हुए चल सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। आज के दिन ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर हमें कोई बड़े मूवमेंट देखने को नहीं मिले, एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल रही है। लेकिन जिस प्रकार से रशिया वर्सेस यूक्रेन की अपडेट्स निकल कर आ रही है, मंडे के दिन अगेन आपको मार्केट गैप डाउन देखने को मिल सकता है, जिसमें अगर आपने ट्राइडेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर आप 49 रुपीज के सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखें, क्योंकि यही लेवल बहुत ज्यादा यहां पर काम करने वाला है। क्योंकि जो प्रोडक्शंस के नंबर्स ट्राइडेंट लिमिटेड के फरवरी के निकल कर आए हैं वहां पर
काफ़ी बड़ी फॉलिंग हमें देखने को मिली है, जिस कारण से शॉर्ट टर्म में यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीन गोल्डन स्टॉक्स के बारे में, जहां पर मार्केट में अगर गिरावट होती है तो बाय एंड डिप की स्ट्रेटजी आप लेकर चल सकते हैं, और कंपनी फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि टेक्निकली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलती है। सबसे पहले शेयर्स का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड, काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर अभी आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका 52 वीक का हाई देखेंगे तो 1725 रुपए का शेयर्स अभी आपको 1400 रुपए की प्राइस पर देखने को मिल रहा है, तो यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है EU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। 1421 रुपए का शेयर्स अभी आपको 1200 रुपए के लेवल पर देखने को मिल रहा है, तो यहां पर भी आप बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं। कंपनी फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी भी आपको काफी शानदार रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। और इसी के साथ बात कर लेते हैं तीसरे और लास्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, टाटा एलेक्सी लिमिटेड भी अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पर काफ़ी नीचे आपको देखने को मिल रहा है, और इस शेयर्स के अंदर भी अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म पर्पज से यहाँ पर भी पोजिशन बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।